वेलकम बैक टू किट्टू ब्लॉग्स। खुशियों तो आज किट्टू की छुट्टी हो जाएगी, जैसा कि आप सब लोगों ने अमीदन किट्टू के सवाल यूट्यूब चैनल पे सुन ही लिया है। तो अभी बज चुके हैं सुबह का अपडेट, 10 बज चुके हैं। सुबह का जो अपडेट है वो 10 बजे का अपडेट है। किट्टू की तबीयत, किट्टू को फीवर्स आ रहे हैं 100.7, 100.101, तो ऐसा कर करके आ रहा है। तो किट्टू कैसा फील कर रहे हो? किट्टू बस कैमरे में से देखती है, फिर अपना मतलब अपना चेहरे देखने लगती है, भूल जाती है कि मुझे कुछ बोलना है। सही में भूल जाती है मैं क्या बोलना है। तो घर तुम्हारे सजवा रहे हैं, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी देखो इसका यहाँ से यहाँ लगा, अभी साइड में लग गया है, चौथा है। चार जगह इसको छेद कर दिया पूरे शरीर में। होता है ये चीज़। मैंने हीटर चालू करके कुछ थोड़ा ठंड लग रही थी, लेकिन ठीक है, अभी टेम्परेचर ठीक है रूम का। मेरा खुद का ये पूरा दर्द कर रहा है, पता है आप लोगों को? गरम पानी थोड़ा उसमें नमक मिला। किट्टू का खाना भी आ गया है, देखते हैं किट्टू को क्या मिला है खाने में। अरे खाना ही है, ब्रेकफास्ट है, सॉरी नाश्ता है किट्टू रानी का। ये क्या है जी? दूध के साथ? अच्छा वो दूध दलिया है, वो दलिया है दूध वाला। दूध वाला दलिया है। खाने दाल खाओगी? नहीं अभी पानी चढ़ रहा है। तो क्या वो ऐसे पानी चढ़ने पी सकती, खा सकती? नूठो मत धुलने पुलने के लिए। हॉस्पिटल में रुकना बहुत बड़ा टास्क होता है, मतलब नींद आपकी उड़ जाती है, हाथ पैर आपके एकदम होता है ना, काम करने बंद करने लगते। भाई मेरा तो पूरा शरीर एकदम टूट सा रहा है, और मैंने ढोल वाले को बुला लिया है, बैलून वाला डेकोरेशन कर रहा है वो। मैं अपने बोला था, तुम्हारे तो बता दूँ, कोई नहीं सुना होगा तो पता चल जाए। सही में यार मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, पेशेंट तो करता ही, लेकिन जो अटेंडेंट होते हैं वो भी करते हैं। ये तेरा रिश्ता ही मुझको भाता है। हाथ पैर देखो एकदम सूज गया किट्टू का। करोड़ लोग डूबे हुए हैं, बाप रे डूबे पसीना से। एक तो आज हमारा बेबी हम लोग को सोने भी नहीं दिया, मम्मी तो खूब परेशान हुई है बहुत ज्यादा। बेटा सर जैसे सर फट रहा है सर, हमें पता है नहीं रहने दिया। अब सीधे घर पे जाके जब गरम गरम पानी सनाएंगे ना, पहले जाते सारे कपड़े अपने डाल दूंगा वॉशिंग मशीन में, चला दूंगा उसको भाई किट्टू के अपने सारे हैं ना किट्टू। दुख में जो याद आए वही सबसे बड़ा महान इंसान होता है। अरे बाप रे देखो मम्मी बाबू को देख रही है, रात भर परेशान किया है मम्मी को, आज भी किया था, एक दिन दो दिन पहले भी किया था। बहुत भाग्यशाली है बाबू, बहुत अपने नानी का सेवा पा रहा है। मम्मी वैसे अपने तीन मतलब हम तीन बहन हैं, तीनों बहनों के बच्चों का बहुत की हैं, बहुत ध्यान देती हैं है ना। शेर शेर का बेबी शेर। और ऐसा नहीं है कि मम्मी केवल मेरी अपने बेटियों के बच्चों का ध्यान दी है, अपने बहुओं का भी ध्यान दी है। ये इस बात को तो मानूंगा, मम्मी में तो बहुत ताकत है। अपने दोनों बहू के बच्चे को भी, विनय कोमल भी जैसे आते थे फंक्शन में तो तुरंत बोलते लाओ अविका को मुझे दे दो, खुद आते ही तुरंत अविका को पकड़ लेती थी कि हाँ यार चलो उसको थोड़ा रेस्ट हो जाए। ये चीज तो है मम्मी का, ये चीज देखा है मैंने। इसी को तो दादी बोलते हैं, अब मम्मी बोल सकते हैं तभी तो जानेगा कि हाँ ये दादी हैं।
दादी का प्यार है। तभी तो तभी देखो लोग कितना रटते रहते हैं, अरे वो सोना और सब दादी 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 रटते रहते हैं। तो जहाँ प्यार बच्चे पाएंगे उन्हीं का नाम छपेंगे ना, जहाँ प्यार नहीं पाएंगे तो उसका नाम थोड़ी ना कोई लेगा। ट्रू कब आएगी मेरे बाबू खिलाने। ये अभी क्या बोलते हैं, हमारी एनिवर्सरी जनवरी में, बेबी का बर्थडे फरवरी में, किट्टो का बर्थडे मार्च में, और मेरा बर्थडे दिसंबर में। बताओ यार, चार महीने फंक्शन ही फंक्शन है हमारे घर में तो। सही बात है, एक बेबी जब और करेंगे उसको कर देंगे अप्रैल में। अरे तो हम हमको जीने दोगे कि नहीं? हम नहीं जाए, बस एक ही जो है यही है, अब नहीं करना चाहते हैं। हमसे नहीं हो पाएगा जिंदगी में, कभी नहीं सोचेंगे। तो एक ही बेबी में सरेंडर कर दी थी। नहीं भैया नहीं, इतना टेंशन, इतना दुख, इतना कष्ट, इतना पेन, मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे को एक ही, बस अब नहीं हो पाएगा हमसे, चाहे एक दिन हो चाहे दस दिन हो। कष्ट तो कष्ट, हम तो पहले मंथ से लेकर के पूरे 9 महीने कष्ट झेले हैं। ये अच्छा था कि जब हम पहले मंथ से बीमार थे तब पर ही मम्मी थी, और लास्ट और में भी लास्ट में आई गई, लास्ट के 9वें महीने में आई मम्मी। बहुत सपोर्ट था, बहुत सपोर्ट है। और ये कहो कि गृह प्रवेश, गोद भराई सब रस्म वसम चलता रहा, तुमको पता नहीं चला समय का, बिजी थी तुम, हंसते खेलते बीत गया तुम्हारा 9 महीने, पता नहीं चला। अगर पता करने की बात करेंगे ना, बहुत पता चला। लेकिन एक बात बता रहे हैं, किट्टो को तो टेंशन बहुत ही वो होता ना, पेन तो बहुत हुआ कई बार कई बार, ठीक है। और हर माँ का एक नया जन्म हो जाता है डिलीवरी के बाद, माँ का नया जन्म होता है डिलीवरी के बाद। अभी मेरी किट्टो रानी, मैं इतना टेंशन था जब अंदर थी, मैं श्री शिवाय नमस्ते ओम, हे भगवान हे भगवान, मेरी किट्टो रानी को सही सलामत लेके आना, किट्टो रानी को सही सलामत। जब ये आई ना लेते ही लेते, मैं तो एकदम जिसम इतना होता ना, घबरा सा गया कि किस ऐसे क्यों लेके आ रहे हैं किट्टो को। मैं डर गया था एकदम। मैं तो मतलब होता ना कि एक तो मैं जो रोया वो तो आप लोगों ने देखा, एक जो मैं अंदर ही अंदर रोया वो किसी ने नहीं देखा। और दूसरा क्या था कि मुझे ब्लॉग्स भी शूट करने थे, मैं सोचा कि कोई रहेगा जो शूट करे, लेकिन कोई मिला नहीं शूट करने वाला, तो मुझे ही सब कुछ करना था। किट्टो ब्लॉग्स में भी डालने थे, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि ब्लॉग, आप बोलोगे ब्लॉग होता क्या है कि ना, आप सब लोग इतना प्यार हमें करते हो ना, आप सब लोग पल पल की खबर चाहिए होती है, हमारे फैमिली मेंबर परेशान होते हैं ना, वैसे आप सब लोग भी परेशान रहते हो, ऊपर साइड आप सब लोग भी परेशान रहते हो कि यार किट्टो को क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ किट्टो को, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, तो यही सब होता है ना, तो टेंशन हो जाती है हमें भी, और इतने कमेंट्स आने लगते हैं ना, अपडेट करना ही पड़ता है आप सब लोगों को। मैं पूरे पसीने में डूब गई हूं दोस्तों, सुबह इतना तेज बुखार था, इतना तेज बुखार था, इतना कांप रहे थे, दो दो थोड़े थे, तीन तीन थोड़े थे ना, कंबल भी गिर गए, तीन तीन थोड़े, तप्पल भी नहीं गया। फिर उसके बाद इंजेक्शन लगा दो, और फिर पानी चढ़ रहा है, आप देख सकते हो, बहुत 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 कुछ हो रहा है मेरे साथ। ये कष्ट शायद बहुत सारी लेडीज़ों को सहना पड़ा होगा। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं यार तुम्हें ये नहीं दर्द सही है, सब दर्द सा है हमारा, इसलिए मुझे ना, क्योंकि मेरा वेट दुगना बढ़ गया, और इसकी वजह से जो पेट की चर जो वेट था ना, पेट में जो लॉस क्या कहते हैं इसको, चर्बी ना बहुत ज़्यादा था, तो इसके फैट वही हो गया, फैट इतना ज़्यादा था कि वो ना लटक गया। तो मैम बोली कि वो इतना बड़ा था, अब उसको छोटा होने में समय लगेगा, पहले इतना बड़ा सा था, फिर इतना होगा, इतना ऐसे ऐसे होगा, तब जाकर के तुम्हें तो कुछ अच्छा फील होगा, तो चिंता मत करो, सब बढ़िया होगा। हाँ मैम सही कह रही हैं, चलो बहुत बोल, थोड़ा सा आराम करो। तो ये बोलने लगती है ना गाइस, बहुत कचरा कचरा बोलती है और फिर बीमार पड़ जाती है। तो मैं यही कह रहा था कि डिलीवरी के बाद हर एक औरत का ना एक नया जन्म होता है, एक नई माँ का जन्म होता है, और डिलीवरी के बाद ही वो असली माँ बनती हैं। तो किट्टो पूरी तरीके से माँ बन के तैयार हो चुकी है। तो आप सब लोग यही प्यार दुलार इसने देते रहिएगा। आज किट्टो की छुट्टी हो जाएगी, हम लोग किस तरीके से उसको लेकर के जाएंगे, क्या सरप्राइज रहेगा, गाड़ी किस तरीके से डेकोरेट होगी, घर किस हिसाब से, किस लेवल का सज रहा है ना भाई साहब, आप लोग बस बोलोगे वाह अमित भैया वाह, छा गए, झमाझम बवाल मचा दिया आपने भाई साहब, नेक्स्ट लेवल का एकदम भाई साहब, एकदम मतलब एक बाप अपने
बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए कितना खुश, किस खुशी को किस हिसाब से जाहिर कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, वो आप सब लोग को हमारे घर का डेकोरेशन देख करके लगेगा। एकदम अंकित भाई वहाँ पे लगे हुए हैं और वो सारा कुछ शूट हो रहा है, तो मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा किस तरीके से हमारा घर दुल्हन की तरह सज रहा है। तो चलो ब्लॉग को करते हैं एंड। किट्टो ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को यहीं प्यार देते रहिए, और जो चीज़ किट्टो ब्लॉग्स में नहीं आएगी वो चीज़ें आएंगी अमित एंड किट्टो जायसवाल यूट्यूब चैनल पर। लव यू ऑल। किट्टो ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को जो लोग पहली बार है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।